अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। जैसा सब प्लान किया था हुआ ना? आपको क्या लगता है? मुझे क्या लगता है क्या नहीं, ये तो छोड़ ही दे, मेरा सर फोड़ देगी तू। आपको ऐसा लगता है कि मैं जो प्लान करूंगी वो नहीं कर सकती? लिसन, मुझे कुछ नहीं लगता, मेरे पेशेंस का टेस्ट मत कर। मुझे पता जैसा प्लान किया था वैसे हो रहा है ना सब? एग्जैक्टली जैसा प्लान किया था वैसा ही हुआ है। ग्रेट मॉन, लेकिन मुझे एक बात बता, तो आरवी के कमरे में जाएगी कैसे? सिंपल, पैसा। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मनी सॉल्व नहीं कर सकती। तो मैंने एक वेटर को ब्राइब किया पूर्वी के रूम में कुछ मिलाने के लिए। अब जब आरवी और पूर्वी नीचे खाना खाने आएंगे तो वेटर मेरा काम कर देगा। तो बस फिर रूम नंबर 701 में होंगे सिर्फ मैं और मेरा आरवी, और ये पूर्वी आउट। नॉट बैड मॉन, दैट साउंड्स लाइक अ टोटली वाओ आइडिया। लेकिन मुझे एक बात बता, इस समय पूर्वी को खतरा नहीं है ना? राइट, कुछ नहीं होगा। एंड एनीवे हु केयर्स, ये आपको पता है ना, अपने आरवी को पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, एनीथिंग। मैं बाद में बात करती हूँ, मुझे रात के लिए रेडी भी होना है। आइए आइए सर, वो है आपकी सीट। सर आप दोनों बाकी जोड़ियों के जैसे नहीं आएंगे हाथ में हाथ डाल के। अरे तुम अपना काम करो ना। तुम एक्चुअली इन्हें प्रॉब्लम है, आई मीन इन्हें कोल्ड हुआ है, सर्दी हुई है, इसलिए हम इतना दूरी बनाकर चल रहे हैं, सेफ डिस्टेंस, जिससे मुझे कुछ ना हो। एक्चुअली हिना मेरा बहुत ध्यान रखता है, बहुत केयरिंग है ना? वाओ, पति पत्नी हो तो ऐसे। आप दोनों कितनी चिंता करते हैं एक दूसरे की। सच में सर आप तो बहुत अच्छे हस्बैंड हैं, एकदम प्यारे वाले। क्या था ये? मतलब तुम उसको वहां क्या कह रही थी? कि मुझे कोल्ड हुआ है इसलिए डिस्टेंस मेंटेन की है मैंने। मैं तुम्हारी केयर करता हूँ और न जाने पता नहीं क्या क्या, सच क्यों नहीं बोला? कौन सा सच? यही कि हम नॉर्मल कपल जैसे नहीं चल रहे थे क्योंकि हम कपल है ही नहीं। सच में इतने बुद्धू या फिर कुछ स्पेशल है आज इसलिए तुम्हारे दिमाग का फ्यूज उड़ा हुआ है? What do you mean? ये डिनर किसने बुक किया है? दादी और दादू ने, राइट? हाँ तो? हाँ तो ये कि तुम्हारी फैमिली यहाँ के लॉयल कस्टमर्स में से एक है, तुमने ही बताया था, तो कभी भी कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमारे बारे में, समझे? बात तो सही कही इसने। हाँ तो पूछते हैं तो पूछे, सब फालतू बकवास से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो फर्क तो मुझे भी नहीं पड़ता ना तुमसे ना तुम्हारी बातों से, लेकिन दादी दादू से पढ़ते हैं। और वैसे भी उन्होंने बहुत उम्मीदों से खुशियों से हमें यहाँ भेजा, और मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं किसी की उम्मीद या खुशियां तोड़ूं। वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का इस ब्यूटीफुल इवनिंग और वेदर में स्वागत करता हूँ मैं। एंड आई एम श्योर कि ये इवनिंग इतनी ब्यूटीफुल और ये वेदर इतना खूबसूरत है आप सभी ब्यूटीफुल गेस्ट की वजह से। एंड आई एम रियली श्योर कि आपको हमारी प्रॉपर्टी बहुत पसंद आने वाली है। स्पेशली जितनी भी वाइफ्स यहाँ आई हैं, उन्हें अपने हस्बैंड को थैंक्स जरूर बोलना चाहिए, क्योंकि वो ही है जो आपको इस खूबसूरत प्रॉपर्टी में लेकर आए हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग। तुम्हारे कान वर्किंग कंडीशन में नहीं है क्या? सुना ना उसने क्या बोला, कि तुम्हें हस्बैंड को थैंक यू बोलना है। ओके, बट तुम कहाँ बोलोगे? तुम्हारी तो गर्दन झुक जाएगी ना, ईगो हर्ट हो जाएगा ना हमारा। देखो मेरे कान वर्किंग कंडीशन में है, लेकिन तुम्हारा दिमाग वर्किंग कंडीशन में है। शायद तुम्हें ध्यान से सुना नहीं, उसने ये कहा कि जो भी आपको एक खूबसूरत जगह पर लेकर आया उसे थैंक यू बोलो। तुमने क्या है मुझे यहाँ पे? दादी दादू ने भेजा हमें यहाँ पे, उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ, नहीं तो मैं आती भी नहीं। उन्हें थैंक यू बोलूंगी, मैं तुम्हें क्यों बोलूँ? एक्सक्यूज मी, तुम क्या नहीं आती? मैं तुम्हें यहाँ आने के लिए कभी ऑफर ही नहीं करता। हाँ तो आना भी कौन चाहता है, वो भी तुम्हारे साथ, नेवो एवो। हाँ तो तुम्हें यहाँ लाना कौन चाहता है, कभी नहीं, तुम्हें नेवो। सो मैम प्लीज थोड़ा धीरे बात कीजिए, फंक्शन चल रहा है। सॉरी। समझ गया ना क्या करना है? समझ गया। नो, और एक ही गोली डालना, बेहोश करना है थोड़ी देर के लिए, जान नहीं लेनी है। ठीक है। पूर्वी का जान लेने का सुख मैं तुम्हें नहीं दे सकती,
इसे तो मैं मारूंगी, धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह। मेरे आरबी से शादी करने की सजा इतनी छोटी तो नहीं हो सकती। अजीब संख्या ये मैडम, मुझे क्या, मुझे तो पैसे मिल रहे हैं, मैं अपना काम करता हूँ। जिसने कहा था कैसे क्लोज होके बात करें, बिल्कुल लव पॉइंट्स की तरह। उसने कुछ नहीं छोड़ूंगा। सॉरी मैडम, आप मुझे क्यों मार रहे हो? दिखने में तो वो मैडम सीधी सादी सावित्री जैसी लग रही है। पैसे वापस दो, वापस पैसे। मैं बहुत सीधी सादी संस्कारी लग रही है ना वो? हाँ, वो जो बैठी है ना वहां पे, वो लड़की, वो मेरे पति के साथ बैठी, उसने छीना है मेरा पति। सुना तुमने? वहां मेरे पति के साथ मुझे होना चाहिए, उस लड़की को नहीं, समझे? अच्छा, ये बात है, फिर तो आप बिल्कुल सही कर रही हो। पता है मुझे इस मूवी को ना, इसको मैं छोड़ूंगी नहीं। इसे चिपके जा रही मेरे आरपी से, नॉट बहुत हो गया। I can't take this. No, leave. Can I have your attention, please, boys and girls? हर बार हम pairs से dance कराते हैं, couples के बीच में मुकाबला करवाते हैं, लेकिन आज नहीं, आज मुकाबला होगा boys and girls के बीच में। एक तरफ लड़के डांस करेंगे, एक तरफ लड़कियां, और जब वो एक दूसरे के सामने आएंगे तो जोड़ी तो अपने आप बन जानी है। लेकिन खास बात कुछ और है, जिस भी लड़का और लड़की के स्टेप्स सबसे ज्यादा तालमेल खाएंगे वो बन जाएंगे आज के बेस्ट डांसर ऑफ द इवनिंग। क्या बकवास है, सच बोरिंग गेम। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। एक्सक्यूज मी, अरे ये मुहावरा है, तुम्हें नहीं पता इसका मतलब? मैं समझाऊं? Oh, really? तुम्हें क्या लगता है, मुझे डांस करना नहीं आता? तुमसे अच्छा डांस करता हूँ मैं। कॉलेज में चैंपियन था मैं, बहुत सारी ट्रॉफीज भी जीती मैंने। ओह, अच्छा, इसीलिए डांस को बकवास कह रहे थे ना? नहीं, हो सकता है तुम्हारी उम्र हो गई हो तो अब घुटनों में भी दर्द होता। नहीं, I understand. It's okay. मैं क्या हूँ और मेरी उम्र क्या है, मुझे तुम्हें जस्टिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं डांस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं करना चाहता। अच्छा बहाना है, डांस करना नहीं है या फिर आता नहीं? ओह हेलो, मैं नाच भी सकता हूँ और नचवा भी सकता हूँ। छाने दो, हवा आने दो। क्या बहुत बोल रही हो तुम? नाउ यू वेट एंड वॉच, अब मैं दिखाता हूँ मैं क्या करता हूँ। मैं डांस करूंगा और तुम्हारी हवा भी टाइट करूंगा, ये मुकाबला जीत के भी दिखाऊंगा। चुप वेट। ये जो इतनी जल्दी मान गया, इसको चढ़ाना कितना इजी है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।